फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 75 क्वेश्चन ऐसे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बेसिकली पंप पे, है ना दोस्तों। इसी तरह मैं पंप पे, हीट एक्सचेंजर पे, एक तरह से फर्नेस पे, बहुत सारे टॉपिक पे जो है क्वेश्चन डालता रहूँगा और क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये पूरी फुल सीरीज है जिसमें मैंने टोटल सारे क्वेश्चन जो है पंपों के एक साथ लिख लिए हैं और कुछ के आंसर बस बाकी हैं, बाकी सारे आंसर मैंने दे रखे हैं। जिस पे मैंने टिक कर रखा है, राइट का निशान लगा रखा है, तो समझ लीजिए कि उससे आप मेरे जो है टेक्निकल क्वेश्चन हब में जाके वीडियो में सर्च करेंगे पंप के प्लेलिस्ट में, तो सारी जो है क्वेश्चन आपको पंप के प्लेलिस्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी जो है जो नए 10 क्वेश्चन ऐसे नए और जुड़े हैं उसका आंसर मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, चाहे वो रिफाइनरी हो चाहे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ पंप, दूसरा सिलेक्शन ऑफ पंप, पंप का सिलेक्शन करना है तो पंप का सिलेक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ पंप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा व्हाई वी क्लोज डिस्चार्ज वाल्व बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्चार्ज वाल्व क्लोज क्यों रखते हैं। उसके अलावा जो है व्हाई वी ओपन डिस्चार्ज वाल्व बिफोर स्टार्टिंग द रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करने से पहले जो है डिस्चार्ज वाल्व जो है ओपन क्यों करते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिलेक्शन आपको करना है, चुनाव करना है कि इनमें से किसको चूज करें तो कैसे आप करेंगे। इसके अलावा जो है व्हाई रेसिप्रोकेटिंग पंप कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ द अफिनिटी लॉ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अफिनिटी लॉ क्या है, यानी कि जो है एक तरह से जो है फ्लो और हेड और जो है आरपीएम का जो रिलेशनशिप है वो क्या है पंप में। नेक्स्ट व्हाट इज़ कैविटेशन, कैविटेशन क्या है। उसके अलावा जो है व्हाट इज़ प्राइमिंग एंड टाइप ऑफ प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग की टाइप क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसके अलावा इस सेंट्रीफ्यूगल पंप हेड डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड जो है डेंसिटी पे डिपेंड करता है वो आपको बताना है। इसका नाम जो है टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का टाइप क्या है, टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग का टाइप क्या है, टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज पंप, स्पेशल पर्पज के कोई एक आध टाइप बता दीजिए। इसके अलावा जो है हाउ टू स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू स्टॉप अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे स्टॉप किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को कैसे स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू स्टॉप अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को कैसे स्टॉप किया जाता है, वाई कैविटेशन विल अकर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही कैविटेशन क्यों होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यों नहीं होता। व्हाट इज मल्टी स्टेज पंप, वेयर वी यूज मल्टी स्टेज पंप क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है। डिफरेंट बिटवीन प्लंजर एंड पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और पिस्टन पंप में डिफरेंट क्या है। सिलेक्शन बिटवीन पिस्टन प्लंजर डायफ्राम एंड मीटरिंग पंप, यानी कि कह रहा है कि अगर आपको हम पिस्टन पंप दे दें, प्लंजर पंप दे दें, डायफ्राम पंप दे दें और मीटरिंग पंप दे दें तो किस पंप को कहाँ पर आप सेलेक्ट करके रखोगे, यानी कि कौन सा पंप कहाँ पर यूज होगा। यानी कि अगर आपको इन चारों पंप दे दिया गया तो डायफ्राम पंप किस टाइप के लिक्विड के लिए यूज करोगे या मीटरिंग पंप कहाँ यूज करोगे, वो सिलेक्शन पॉइंट क्या है वो आपको बताना है। इसी तरह गियर पंप, स्क्रू पंप, लोब पंप और वेन पंप, इनका भी चारों पर्पज होगा कहीं ना कहीं, तभी तो इसका सिलेक्शन होता है, तभी तो ये यूज होता है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ है बेसिकली वो आपको बताना होता है। इसके अलावा सिलेक्शन बिटवीन टर्बाइन पंप, जेट पंप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप एंड कैंड पंप, इन चारों पंप जो है कैंड पंप का यूज कहाँ पे होता है, किस फ्लूड में है, फ्लूड का टाइप क्या होता है, किस टाइप के फ्लूड वगैरह, ये सब जो है सिलेक्शन आपको करना है। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ एनपीएसएच एंड टाइप ऑफ एनपीएसएच, एनपीएसएच क्या है, इसके टाइप क्या है, या इसके अलावा एक और एनपीएसएच क्वेश्चन पूछता है, इसका एनपीएसएच का फार्मूला क्या है और जो है कौन सा एनपीएसएच ए और एनपीएसएच आर में कौन अधिक होता है और क्यों अधिक होता है वो सब पूछा जाता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट बिटवीन रोटरी पम्प एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प, रोटरी पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या अंतर है वो बताना है। एक तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ शट ऑफ हेड, शट ऑफ हेड का मतलब क्या होता है,
कैन वी ट्रांसफ़र अ लिक्विड विदाउट एनी पम्प, यानी कि क्या हम बिना पम्प के सहायता से किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ये बताना है। इसके अलावा हाउ टू चेंज ओवर अ पम्प, पम्प को चेंज ओवर कैसे किया जाता है। हाउ टू हैंड ओवर अ पम्प, किसी भी पम्प को हैंड ओवर कैसे किया जाता है, मैकेनिकल को या इलेक्ट्रिकल को या इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना है तो कैसे करते हैं। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग पम्प के ट्रबल शूटिंग से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पम्प चलाए लेकिन मोटर नहीं चला तो इसका क्या रीज़न है और क्या उसका रिमेडीज एक्शन होगा, या पम्प चला लेकिन उसका जो है फ्लो बहुत कम है या फ्लो ही नहीं दे रहा है तो क्या रीज़न है। कम से कम 10 रीज़न तो आपको बताना ही होता है। इसके अलावा उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताना होता है। इसके अलावा जो है पम्प डेवलप लो प्रेशर या जीरो प्रेशर, अगर पम्प आपने चला या फ्लो भी दे रहा है लेकिन उसका प्रेशर जीरो आ रहा है या प्रेशर बहुत कम मिल रहा है तो इसका क्या रीज़न है और क्या रिमेडीज एक्शन है। इसके अलावा पम्प टेक एक्सेसिव एम्पियर, पम्प बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है या एम्पियर ले रहा है। नॉर्मल जो आपका चलता है सपोज करो 120 एम्पियर चलता है तो इस समय जो 150 ले रहा है तो क्या रीज़न है। इसके अलावा जो है पम्प मेक नॉइस एंड वाइब्रेशन, अगर पम्प चल रहा है तो उसमें नॉइस आ रही है और वाइब्रेशन आ रहा है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा जो है पम्प रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, पम्प का जो रोटेशन है उल्टा है, उल्टा घूम रहा है तो इसका क्या रीज़न है और क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा पम्प इज़ बियरिंग ओवर हीट, पम्प की जो बियरिंग है वो ओवर हीट हो रही है तो इसका क्या रीज़न है क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा जो है पम्प की मोटर बार बार ट्रिप हो जा रही है तो इसका क्या रीज़न है क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा पम्प की मैकेनिकल सील लीक हो रही है तो उसका क्या रीज़न है क्या उसका सोल्यूशन है। इसके अलावा पम्प केविटेट ड्यूरिंग स्टार्ट, जब आप पम्प चला रहे हो तो वो केविटेट हो जा रहा है तो उसका क्या रीज़न है क्या सोल्यूशन है। इसके अलावा कैन वी यूज़ सेंट्रीफ्यूगल पम्प फॉर हाई विस्कस फ्लूइड, क्या हम हाई विस्कस फ्लूइड के लिए सेंट्रीफ्यूगल पम्प का यूज कर सकते हैं, या व्हाट इज़ द मीन ऑफ MCSF यानी कि मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो का मतलब क्या है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पम्प में। इसके अलावा व्हाट इज़ द पम्प सेफ्टी डिवाइस, पम्प सेफ्टी डिवाइस कौन कौन सी होते हैं, जैसे उसमें PSV होती है, NRV होती है, PRV होती है, जो भी होती है ट्रिपलॉजिक वगैरह होते हैं वो सब आपको बताना है। इसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पम्प, पम्प की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होती है वो बताना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जैसे उसका जो है एक तरह से कहाँ से सक्शन ले रहा है, कहाँ को भेजेगा, कितना हेड रहना चाहिए, उसकी विस्कोस्टी किस कितने विस्कोस्टी के लिए डिज़ाइन है, NPSHA कितना है, NPSHR क्या है, मोटर की रेटिंग क्या है वगैरह, है ना। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रोटरी पम्प, या एक तरह से आर पम्प जो है, हाँ पम्प रेटिंग कह रहा है कि ये कह रहा है कि रेटिंग ऑफ पम्प, पम्प की रेटिंग क्या होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था कि रेटिंग ओके व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ पम्प, पम्प की रेटिंग क्या है, या पम्प की रेटिंग बताइए, या रेटिंग ऑफ पम्प क्या है ये बताइए, है ना, पम्प की रेटिंग क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पम्प परफॉर्मेंस कर्व, पम्प के परफॉर्मेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा डिफाइन ड्यूटी पॉइंट इन पम्प परफॉर्मेंस कर्व, पम्प की जो परफॉर्मेंस कर्व होती है उसमें जो ड्यूटी पॉइंट क्या है उसको बताइए। इसके अलावा व्हाट इज़ द प्राइमरी सील एंड सेकेंडरी सील, जो पम्प में मैकेनिकल सील के लिए जो है प्राइमरी सील और सेकेंडरी सील होती है वो क्या होती है। इसके अलावा डिफरेंट बिटवीन बफर फ्लूइड एंड बैरियर फ्लूइड इन टर्म ऑफ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील में जो है बफर फ्लूइड और बैरियर फ्लूइड क्या होते हैं। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पम्प पार्ट्स एंड देयर यूजर, सेंट्रीफ्यूगल पम्प के जो पार्ट्स हैं जैसे केसिंग हुई, इम्पेलर हुआ, स्टफिंग बॉक्स हुआ, मैकेनिकल सील हुई, बियरिंग हुई, इनके क्या क्या यूजेस हैं और क्या इनका जो है एडवांटेज वगैरह वो सब कुछ आपको बताना है। इसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर, पंप और कंप्रेसर में क्या अंतर है। इसके अलावा इज़ इट पॉसिबल टू इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ पंप बाय इंक्रीज द सक्शन प्रेशर ऑफ द पंप, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम सक्शन प्रेशर किसी भी पंप का बढ़ा दें तो क्या उसका जो है फ्लो रेट बढ़ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है ये पूछा गया है। इसके अलावा व्हाट इज़ द बैलेंसिंग लाइन एंड व्हाई वी यूज इन मल्टी स्टेज पम्प, मल्टी स्टेज पम्प में बैलेंसिंग लाइन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है ये पूछा गया है। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्लो प्रेशर एंड करंट, यानी कि फ्लो बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा और करंट क्या होगा, या प्रेशर बढ़ाओगे तो करंट और फ्लो क्या होगा, या करंट कम हो रहा है तो उस समय फ्लो और प्रेशर क्या होगा, इनका जो है रिलेशन पूछा जाता है। इसके अलावा कैन वी रन अप सेंट्रीफ्यूगल पम्प विदाउट अ मैकेनिकल सील, क्या हम बिना मैकेनिकल सील के किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पम्प को रन करा सकते हैं,
ये आपको बताना है। इसके अलावा हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप सिलेक्शन, कहाँ पे हम हॉरिजेंटल टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, कहाँ पे वर्टिकल टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं वह बताना है। इसके अलावा प्रेशर एंड फ्लो रिलेशन बिटवीन जो है पैरेलल एंड सीरीज अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सीरीज में है और या पैरेलल में है तो किस केस में हमारा जो है पैरेलल में किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को रखा जाता है और किस केस में जो है हमें एक तरह से सीरीज में रखना होता है, यानी कि कहाँ पे हमें पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप का अलाइनमेंट सीरीज में करते हैं और कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का अलाइनमेंट हम जो है एक तरह से पैरेलल में करते हैं वो पूछा गया है। नेक्स्ट, जो कि पंप एंड व्हाट इज़ द यूज इन फायर हाइड्रेंट, यानी कि जो कि पंप क्या है, जो कि पंप का यूज हम फायर हाइड्रेंट यूज में या फायर फाइटिंग में जो कि पंप का क्या रोल है, क्या यूज है वो पूछा गया है। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट अ डीजल पंप एंड व्हाई वी यूज डीजल पंप इन प्लांट, कह रहा कि डीजल पंप का यूज क्या है किसी भी रिफाइनरी या किसी भी प्लांट में और डीजल पंप का यूज हम कहाँ पे करते हैं, है ना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी नॉट यूज अ पंप फॉर ट्रांसफर ऑफ गैस, जो है पंप का यूज अगर हम गैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है कि हम गैसों का यूज गैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी पंप का यूज नहीं करते। इसके अलावा जो है हॉट पंप के बारे में पूछा जाता है, एक तरह से जो हाइड्रोकार्बन के जो पंप होते हैं हॉट पंप, तो उनमें हॉट पंप में 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो। हॉट पंप से क्या क्या पूछा जाता है कि हॉट पंप का स्टार्टअप क्या है, हॉट पंप का स्टार्टअप प्रोसीडर, हॉट पंप का स्टार्टअप प्रोसीडर यानी कि कैसे हॉट पंप को हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हॉट पंप को स्टॉप करते हैं या कैसे हॉट पंप को वार्म अप करते हैं और कैसे हॉट पंप का चेंज ओवर करते हैं या कैसे हॉट पंप का हैंड ओवर करते हैं, ये जो है 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। SOP इसकी पूछी जाती है, जैसे हॉट पंप है कोई हाइड्रोकार्बन का पंप है और वो जो है उसको आपको बंद करना है, उसको चालू करना है, उसको वार्म अप रखना है, उसको चेंज ओवर करना है, उसका हैंड ओवर करना है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। इसके अपोजिट जो है बहुत सारे ऐसे फ्लूड होते हैं जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखे जाते हैं तो उन्हें उनके लिए जो पंप यूज होता है उन्हें कहते हैं कोल्ड पंप। तो कोल्ड पंप का स्टार्टअप कोल्ड पंप का वार्मअप तो उसमें होती नहीं है, और उसके अलावा जो है कोल्ड पंप का जो है चेंज ओवर, कोल्ड पंप का हैंड ओवर कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कैपेसिटी ऑफ पंप, पंप की कैपेसिटी क्या होती है, पंप का जो है हेड क्या होता है, पंप की एफिशिएंसी क्या होती है, वो दोनों केस में सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी और जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की एफिशिएंसी का फार्मूला पूछा जाता है। इसके अलावा स्टैटिक सक्शन लिफ्ट क्या होता है, स्टैटिक सक्शन हेड क्या होता है, स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या होता है या टोटल स्टैटिक हेड क्या होता है, इसके अलावा टोटल डिस्चार्ज हेड क्या होता है, टोटल डायनेमिक हेड क्या होता है, इसके अलावा जो है एक्सियल फ्लो पंप क्या होते हैं या रेडियल फ्लो पंप क्या होता है, इसके अलावा जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहा गया है, क्या मतलब है रेसिप्रोकेटिंग का, ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो है सिंगल स्टेज पंप या मल्टी स्टेज पंप क्या होते हैं, इसके अलावा जो है डिफाइंड वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड एंड टोटल हेड, एक तरह से वेलोसिटी हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, स्टैटिक हेड क्या होता है या टोटल हेड क्या होता है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कैन वी यूज वाटर फॉर प्राइमिंग ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या सभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम वाटर से वाटर को एज ए प्राइमिंग यूज कर सकते हैं, तो ये पूछा जाता है। तो इसमें जो है हमने जो है 75 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बता दिया और इसमें से जो है आपका जो है 6 क्वेश्चन बस सॉल्व नहीं है, बाकी जो है यानी कि 69 क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं, बाकी जो है सारी जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं इसमें आपको बस कमेंट मेरे जो है चैनल पे जाना है, वीडियो में जाना है और उसमें इसी टॉपिक पे, ये टॉपिक ही मेन है उसको जो मैंने सारी वीडियो बना रखी है उसको प्ले करके समझ लेना है। बाकी जिसपे मैंने स्टार लगा रखा है, ये जो स्टार है तो ये पेंडिंग वाले क्वेश्चन है, इस वीडियो में कुछ जो है मैंने सॉल्व किया है बाकी कुछ जो है सॉल्व नहीं किया है। इसमें एक क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही विस्तार से सॉल्व करके बताऊंगा, वो है दोस्तों हॉट पंप, हॉट पंप का जो स्टार्टअप हुआ या स्टार्टअप हुआ या स्टॉप
हुआ या वार्म अप हुआ या चेंजओवर हुआ या हैंडओवर हुआ, ये पांचों टॉपिक एक बार अलग वीडियो में बना के मैं इसको अपलोड करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं बस सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, हॉट पंप किसी भी जो है हाइड्रोकार्बन पंप का जो है स्टार्टअप प्रोसीडर वार्म अप प्रोसीडर और चेंज ओवर और हैंड ओवर, बस ये जो है अलग वीडियो में समझा दूंगा आपको, कल ही समझा दूंगा मे भी। बाकी जो है इसके अलावा जो है बाकी जो क्वेश्चन पेंडिंग है, जैसे मैंने पूछा था रेटिंग ऑफ पंप की रेटिंग क्या होती है, तो पंप की रेटिंग क्या होती है दोस्तों कि इट इज़ डिटरमिनेशन बाय द लीगल ओनर ऑफ द इक्विपमेंट एज अप्लीकेबल टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये कह रहा है कि यह जो ओनर होता है, पंप का ओनर होता है, जो पंप का मैन्युफैक्चर होता है, वो उसी का ये जो है एक तरह से लीगल जो है एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो है वो शो करता है क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम, क्या क्या मैक्सिमम भी बोलता है और मिनिमम भी बोलता है, क्या कि पंप की जो है वोल्टेज, पंप का करंट मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, रियल पावर क्या लेगा मिनिमम और मैक्सिमम, इसके अलावा जो है उसकी रिएक्टिव पावर क्या होगी। अगर मोटर के केस में देखें तो मोटर के केस में रिएक्टिंग पावर क्या होगी, या अगर पंप के केस में देखें तो पंप का सक्शन प्रेशर क्या होगा, पंप का डिस्चार्ज प्रेशर क्या होगा, पंप का NPSHA यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल क्या होगा, NPSHR यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड क्या होगा, कैपेसिटी पंप की क्या होगी, पावर क्या होगी, FLC फुल लोड करंट क्या होगा, RPM क्या होगा, कौन सा ल्यूब ऑयल यूज होगा, ये सब जो है पंप के केस में होगा। पंप की अगर रेटिंग करनी है, अगर मोटर की रेटिंग करनी है तो पंप की मोटर की रेटिंग में उसका वोल्टेज हो गया, उसका करंट क्या होगा, उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसकी जो है रियल पावर क्या होगी, उसका रिएक्टिव पावर क्या होगी, ये मोटर के केस में उसकी रेटिंग दे दी जाती है। तो ये किसके द्वारा दी जाती है, ये ओनर ऑफ द इक्विपमेंट, वो जो इक्विपमेंट यानी कि जैसे किलोस्कर है, किलोस्कर एक तरह से मैन्युफैक्चर करता है अपने पंप को, तो वो अपने पंप को या अपने मोटर को रेटिंग करेगा, डिटरमाइन करेगा लीगली तौर पे कि भैया हमारे जो है मोटर है और ये पंप है तो इनकी ये रेटिंग है, रेटिंग के तौर पे वो अपना लीगल सब कुछ उसकी परफॉर्मेंस बताएगा। तो यही होता है रेटिंग ऑफ पंप। इसके अलावा जोकिंग पंप पूछा जाता है कि जोकिंग पंप का यूज कहाँ है, तो आप जानते हो कि जो फायर हाइड्रेंट पंप होते हैं फायर फाइटिंग के लिए, तो वहाँ पे जो है एज पर रिक्वायरमेंट जब कभी आग लग जाती है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा हमें फ्लो चाहिए फायर हाइड्रेंट लाइन में, तो वहाँ पे हम बड़े पंप चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आग वाग नहीं लगती तो वहाँ पे छोटा मोटा जैसे काम होता है, तो हेडर का प्रेशर बस मेंटेन करना है, तो वहाँ पे हम जॉकी पंप का यूज़ करते हैं। और जॉकी का मतलब यही हुआ, जैसे आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे शहरों में क्या होता है कि रात में पानी का कंजेशन कम हो जाता है, तो पानी का जब कंजेशन कम हो जाएगा तो जानते हो रात में ना कोई नहाएगा, ना ही पानी से खाना वगैरह बनाना है, जैसे 12 बजे रात के बाद अगर बात करूँ तो पानी का कंजेशन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे आप बड़ा पंप चला के तो रखोगे नहीं, तो वहाँ पे अगर बड़ा पंप चलाओगे तो उसकी एक तो एनर्जी लॉस होगी और फालतू में जो है हेडर प्रेशर आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम होती है तो वहाँ पे जॉकी पंप चला देते हैं, छोटा पंप। तो जो एक छोटा पंप चला देते हैं वो हेडर का बस प्रेशर मेंटेन किया रहता है और जिसको जो ज़रूरत होगी वो मिलता रहता है, और जैसे ही सुबह होगा तो बड़ा पंप चला देंगे क्योंकि वहाँ पे सप्लाई रिक्वायरमेंट सब कुछ ज़्यादा है। ऐसे ही फायर फाइटिंग के लिए इस पंप का यूज़ किया जाता है। तो जब आग वाग लगती है तो जॉकी पंप नहीं हो चलता है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी, इसकी पावर, इसका RPM, इसका फ्लो सब कुछ कम होता है। और बाकी जो है बड़ा पंप जो है इलेक्ट्रिकल वाले या डीजल पंप जो है बड़े हैवी पंप जो होते हैं उनको चला के फुलफिल कर लिया जाती है रिक्वायरमेंट, है ना, तो जो कि पंप का इसलिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है डीजल पंप। डीजल पंप का यूज़ क्या है, डीजल पंप का स्टार्टअप क्या है, डीजल पंप का जो है स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो डीजल पंप की बात करें तो डीजल पंप जो है एक तरह से इट इज़ अ स्टैंड बाय पंप एंड ड्राइव बाय डीजल नॉट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डीजल पंप जो होता है पंप में जो है, आप अगर प्लांट में देखोगे तो प्लांट में इमरजेंसी पंप को दो तरह से सप्लाई दी जाती है, एक तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई और दूसरा जो है एक तरह से डीजल की सप्लाई। तो आप सोचो जैसे पावर
फेल हो गई, प्लांट पूरा बंद हो गया, क्योंकि पावर जो है टरबाइन से चल रही है, तो टरबाइन ही जब ट्रिप हो जाएगी तो हमारे पास पावर रहेगी नहीं, तो उस केस में जब पावर नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं रहेगी तो उस केस में हमारा डीजल पंप चलेगा, और जहाँ भी आग लगी हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर डीजल पंप चला के फुलफिल कर लेंगे। डीजल पंप में जो है डीजल से ही पावर मिलता है, डीजल पंप डीजल से ही चलेगा, तो डीजल पंप का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जा रही है ना। तो डीजल पंप चलाने से पहले क्या क्या हमें देखना है कि डीजल पंप चलाने से स्टार्टअप प्रोसीजर वही है कि वेंट और ड्रेन जो है एक तरह से बंद होना चाहिए, उसके बाद सक्शन वाल्व जो है ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व जो है क्लोज होना चाहिए। डिस्चार्ज वाल्व को भी इसमें ओपन रखते हैं, वैसे जो है पार्शियली रखते हैं एक तरह से। उसके बाद जो है कूलिंग वाटर जो है हीट एक्सचेंजर में जा रहा है वो जो है वो लाइनअप होना चाहिए। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकली इन राइज जो बैटरी होती हैं, दो बैटरियाँ जो होते हैं, बैटरी से जो स्पार्क जनरेट होता है, तो बैटरी भी फुल्ली चार्ज होनी चाहिए जो उसमें बैटरी लगी होती है ना। उसके अलावा जो है मेक श्योर फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक में जो है फ्यूल टैंक क्या है जिसमें डीजल भरा होता है, तो डीजल उसमें जो है एक तरह से 3/4 फुल होना चाहिए, यानी कि 75% उसमें डीजल तो होना ही चाहिए, है ना, 4/3 भाग, है ना। नेक्स्ट चेक एंड वेरीफाई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन बैटरी, बैटरी में जो है जो बैटरी होती है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है बैटरी में जो है एक तरह से प्रॉपर होने चाहिए, भरे होने चाहिए। नेक्स्ट चेक टू इंश्योर बैटरी टर्मिनल आर फ्री फ्रॉम ऑफ कोरोजन एंड कनेक्शन टाइट, कह रहा है कि जो बैटरी का टर्मिनल होता है जहाँ पे हम जोड़े रखते हैं तो कभी कभी वो कोरोड हो जाता है, तो वो कोरोजन नहीं उसमें होना चाहिए और वो पूरा उसका कनेक्शन बहुत टाइटली होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट चेक आल हॉज फ्यूल लाइन एंड कूलिंग लाइन कनेक्शन फॉर एनी लीकेज एंड इंश्योर दे आर इन गुड कंडीशन, कहने का मतलब यह है कि जो फ्यूल लाइन है, फ्यूल लाइन में जो वाल होता है वो लाइन में होना चाहिए, कूलिंग लाइन है, कूलिंग लाइन का इनलेट आउटलेट वाल वो लाइन में होना चाहिए, और उसके बाद जो है हॉज वगैरह जो भी है वो उसमें जो लगी हुई है एक तरह से एक जो हॉज लगी होती है जो भी है, तो वो भी उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है, उसमें गुड कंडीशन में होना चाहिए। इसके अलावा जो है उस पंप को जो है एक तरह से मैनुअल में लेके तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसका प्रेशर एम्पियर वगैरह चेक कर लेते हैं, इससे पहले जो है हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसका। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेंडिंग ये है कि हॉट पंप का तो मैं बता दूंगा कल वीडियो बना के एक। इसके अलावा जो है कह रहा है कि व्हाई वी नॉट यूज अ पंप फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गैस, गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए पंप का यूज़ क्यों नहीं करते, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि गैसों की डेंसिटी बहुत ही जो है कम होती है, तो वो कहीं से भी निकल सकती हैं, फ्लैंज से निकल सकती हैं, केसिंग से निकल सकती हैं, या कहीं सील है जो सॉफ्ट से के जरिए निकल सकती हैं, तो क्योंकि वो लो डेंस हैं तो वो कहीं से भी पंप में निकल जाएंगे। और जब अगर सपोज कीजिए कि गैस जो है टॉक्सिक है या बहुत ही फ्लेमेबल है तो आग वाग पकड़ सकती है, या अगर उसको ज़्यादा ओवर कंप्रेस कर दिया जाए या कुछ चलते चलते स्पार्क वगैरह जनरेट हो तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो गैस को ट्रांसफ़र नहीं, और एक चीज़ और है कि जो गैस हैं, गैस जो है गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए तो हमारा एक तरह से कंप्रेसर होता है न कि पंप। पंप ये एक तरह से पूरा जो है लिक्विड में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारा जो है पंप होता है, और कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारा एक तरह से कंप्रेसर होता है। तो गैसेज जो हैं कंप्रेसिबल हैं तो उनके लिए कंप्रेसर यूज़ करते हैं, और इनकम्प्रेसिबल यानी कि लिक्विड है तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो उसी के लिए डिज़ाइन है, तो वो लिक्विड को ही ट्रांसफ़र करेगा, गैस को करेगा नहीं, क्योंकि जो जिसके लिए डिज़ाइन है वो तो वही काम करेगा ना भाई, दूसरा चीज़ तो वो करेगा नहीं। जैसे कोई जो है कंप्यूटर जो है एक तरह से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है तो उसको आप जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही ये भी है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन रह गया है जो मैं बता दूंगा
हॉट पंप का जो स्टार्टअप प्रोसीडर और स्टार्टअप एक तरह से स्टॉप कैसे करते हैं, वार्म अप कैसे करते हैं, चेंज ओवर और हैंड ओवर यही रह जाएगा, और एक कोल्ड पंप का है ना, ये दो पेंडिंग रहेंगे। बाकी सारे मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक भी मैं कोशिश करूँगा कम्युनिटी बॉक्स जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, ताकि आपको बहुत ही ईजी से सब कुछ मिल जाए। और बाकी जो है अन्य जो है उस पर किस पे वीडियो बनाना है मैं जो है पोलिंग बूथ में डाल दूंगा, उसमें आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।